कुछ दिन पहले ही हुरून ने 2024 में भारत के सबसे अमीर एक्टर्स के नाम बताए थे। उस लिस्ट में शाहरुख खान ने बाजी मारी थी और टॉप पर रहे थे। लेकिन अब साल 2024 में टैक्स जमा करने के मामले में भी शाहरुख खान नंबर वन पर आ गए हैं। फॉर्चून इंडिया की हाल में ही सबसे ज़्यादा टैक्स भरने वाले इंडियन सेलिब्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें स्पोर्ट्स की दुनिया से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारों का नाम आया। वहीं शाहरुख खान ने इस लिस्ट में भी पहले नंबर पर बाजी मार ली है, जबकि सलमान खान और अमिताभ बच्चन उनसे पीछे रहे। शाहरुख खान ने 2023 में पठान, जवान और डंकी जैसी हिट फिल्में दी हैं, जिससे उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की है। उन्होंने साल 2024 में 92 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। इस तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से टैक्स भरने के मामले में भी वे अव्वल रहे हैं। इसमें फिल्मों से कमाई के अलावा ब्रांड वेंचर्स और उनके बिजनेस से भी इनकम शामिल है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूसरे नंबर पर साउथ सुपरस्टार तलपति विजय हैं, जिन्होंने 2024 में 80 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। तीसरे नंबर पर सुपरस्टार सलमान खान हैं, जिन्होंने 75 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। चौथे नंबर की बात करें तो कल की 2898 AD की कामयाबी से सातवें आसमान पर अमिताभ बच्चन हैं, जिन्होंने 71 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। पाँचवें नंबर पर अजय देवगन हैं, जिन्होंने 42 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। अगर छठे नंबर की बात करें तो यहाँ रणबीर कपूर आते हैं, जिन्होंने लगभग 36 करोड़ रुपए बतौर टैक्स दिए हैं। सातवें नंबर पर ऋतिक रोशन हैं, जिन्होंने 28 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर चुकाए हैं। 26 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने के साथ ही आठवें नंबर पर कॉमेडियन कपिल शर्मा रहे हैं। इस तरह से टीवी के इस पर्सनैलिटी ने इस लिस्ट में जगह बनाई है। करीना कपूर ने 20 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर चुकाए हैं और नौवें नंबर पर रही है। दसवें नंबर पर शाहिद कपूर, मोहनलाल और अल्लू अर्जुन रहे हैं, जिन्होंने 14 करोड़ रुपए का टैक्स भरा है। वहीं लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे अक्षय कुमार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों की टॉप 10 की इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं।